हाय एवरीवन दिस इज़ वनिका आज हम बात करेंगे बैंगलोरु फ्लड्स की बैंगलोर का आपने देखा हर जगह न्यूज़ में छाया हुआ है कितना बुरा हाल है सिटी का फ्लड्स फ्लड्स से कितनी सबमर्ज हो गया पानी में डूब चुका है इस टाइम तो क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है ये एक मैन मेड डिज़ास्टर है इसके पीछे क्या रीजनस हैं इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है किसी भी क्वेरी और लेक्चर अपडेट्स के लिए आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं ना कमिंग बैक स्ट्रेट टू द टॉपिक फिफ्थ को इवन आई वॉज इन बैंगलोर सिक्सथ को मैं वहाँ से वापस आई तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी और इस बारिश में मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि सिटी का इतना बुरा हाल हो जाएगा तो सिक्स सेप्टेम्बर को हमारे सामने किस तरह की फिफ्थ सेप्टेम्बर को आपने देखा का देखाडमी वन कितना बड़ा इवेंट हुआ वी ऑल वर बारिश हो रही थी बट सिक्स सेप्टेम्बर को ये नहीं सोचा था कि जो पूरी सिटी की पानी में डूब जाएगी इतना पानी आ जाएगा वहाँ पे ट्रैफिक इतना बढ़ गया इस वजह से पावर कट्स हो गए लोगों के घर पूरे के पूरे समझ यानी पोश से पोश सोसाइटी जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग भी रहते हैं उन सोसाइटीज़ का भी ये हाल हो गया अगर आप देखेंगे कि लोगों की फैमिलीज़ को रिव वहाँ से रेस्क्यू करवाना पड़ा ट्रैक्टर्स में लोग वहाँ से निकालने पड़े इतनी एडिशनल वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई किस वजह से रेनफॉल क्योंकि ये जो मॉनसून हैवी रेनफॉल हुई पानी कहाँ से निकले कोई जगह नहीं है तो इस चीज़ से ये आपको पता चलता है कि जो बेंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हैवी रेनफॉल्स के लिए कोई सोल्यूशन वहाँ पे नहीं है तो इसी हफ्ते की बात है बेंगलुरु अगर आप देखें नो no रिलीफ लोगों को वहाँ कोई राहत नहीं है नाइन्थ सेप्टेम्बर तक ये प्रॉब्लम हम देखते रहे अर्बन डिस्ट्रिक्ट अर्बन एरियाज जहाँ पे हैवी रेन इतनी ज्यादा हुई इतने थंडर स्टॉम्स आए तो बुरा हाल पूरी सिटी का रहा वैसे भी हर साल अगर आप देखेंगे सितंबर में अक्टूबर में बैंगलोर जो है वहाँ पे ये फ्लडिंग्स जो हैं वो होती रहती हैं फ्लड्स आते हैं और इस तरह से सिटी का ये हाल हो जाता है अब देखिए यहाँ पे दो कटिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ बिलियन इन बोथ फ्लडेड हाउस इन इलीट बेंगलुरु इलीट हो गया जहाँ पे बहुत महंगे घर हैं आम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते जहाँ रहना यानी वो बहुत ही पॉश सोसाइटीज़ हैं बिलियनर्स वहाँ पे रहते हैं क्योंकि बैंगलोर आप जानते ही हैं कि एक टेक हब है आईटी हब है तो उनके घरों का भी ये हाल था कि वहाँ के जो ड्राइंग रूम्स हैं उनके वो क्या बन गए थे स्विमिंग uh, पूल्स बने हुए थे इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीओ हैं वो भी आपको ट्रैक्टर्स पे चलते हुए नजर आएंगे तो ये आप एक पिक्चर देखिए ये हाल था पूरे बैंगलोर का लोग बोट्स पे रेस्क्यू करवाए जा रहे हैं सोसाइटीज का ये हाल है जहां पे कभी गाड़ियां चलती थी महंगी से महंगी गाड़ियां जो हैं वो भी पानी में डूब गई जस्ट लुक एट दीज पिक्चर्स एंड विजुअल्स और ये देखिए एक ही सड़क पर आप देखेंगे ट्रैक्टर भी चल रहा है और यहाँ पे देखिए बोट्स में लोगों को भी निकाला जा रहा है ये हालत है ये सोसाइटी का मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी एक पॉस्ट सोसाइटी है ये एपिसन करके सोसाइटी है बैंगलोर में जहां पे बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं मर्सिडीज बेंटले बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पानी में डूबी पड़ी है सो यू कैन जस्ट थिंक कि क्या हाल और ट्रैक्टर्स पे लोगों को निकाला जा रहा है और जो मैंने आपको आ, आप देखेंगे ये लाइन यूज़ की कि लिविंग रूम्स जो हैं स्विमिंग पूल बन गए देखिए किसी का ड्राॅइंग रूम है और इसकी हालत देखिए कितना पानी आ गया तो सब चीज़ें आपकी मेहनत कितनी मतलब बर्बाद हो जाएगी आपकी चीज़ें कितनी ख़राब हो गई और उससे ज़्यादा कि ये क्यों हो रहा है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है हेवी रेनफॉल कुछ मिलीमीटर्स की रेनफॉल के बाद ही बेंगलोर का ये हाल हो गया अब देखिए अगस्त ट्वेंटी टू रेनफॉल टोटल कितनी रही थ्री सेवेंटी एम एम और ऑल टाइम हाई यहाँ पर रही थ्री एटी सेवन पॉइंट वन एम एम अक्टूबर 1998 नाइन्टी एट में इतनी बारिश हुई थी उसके बाद अब और अदरवाइज आप देखेंगे बेंगलुरु में नाइन्टी एट पॉइंट फाइव एम एम रेन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में हुई है और फिर सडनली इतनी बारिश हुई इससे पहले अगर आप रेनफॉल देखेंगे डेटा हम देखते हैं सेवेंटी 5.9 mm अगस्त 2020 में हुई थी 146.8 mm अगस्त 2019 में 158.3 mm अगस्त 2018 में ये बेंगलुरु के अलग-अलग रिकॉर्ड्स हैं अलग-अलग सालों के कि अगस्त के महीने में कितनी बारिश हुई अब जून 1 2022 से आप देखेंगे तो सिटी में कितनी बारिश हुई है 769 mm अगर आप टोटल रेनफॉल देखेंगे सिग्निफिकेंटली कितना ज्यादा राइज़ है तो 1 mm से हमारा क्या मतलब है जब 1 mm बारिश बोलते हैं इसका मतलब है वन लीटर ऑफ वाटर इन अ सिंगल मीटर स्क्वायर एक स्क्वायर मीटर में एक लीटर पानी भर जाना उसको आप वन एम कंसीडर कीजिए अब सवाल उठता है बेंगलुरु में आफ्टर ऑल ऐसा हो क्या रहा है ऐसा क्यों हुआ इतनी फ्लडिंग क्यों हुई बारिश के बाद तो सिंपल सा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर तो है बट गलत तरीके से बना है आउटर रिंग रोड ओ जिसको बोला जाता है डॉक्टर पुनीत राजकुमार रिंग रोड ये सिटी को कनेक्ट करती है उसके टेक पार्क से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं टेक पार्क है और फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे यहाँ पे फ्लडिंग होती है क्योंकि यहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्ट ही नहीं करता बारिश का पानी कहाँ जाए जो ड्रेन्स हैं नालियां हैं वो जिस तरह से कनेक्टेड हैं बहुत ही गंदे तरीके से कनेक्टेड है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है कुछ लोग यू you नो know, इसलिए परेशान है देश में फ्लड आ गया बैंगलोर में फ्लड आ गया क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है उनका काम रुक गया ऑफिस का काम नहीं हो रहा आईटी हब माना जाता है प्रोडक्टिविटी कम होगी लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा एरिया का ये हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है रेट ऑफ डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन वहां पर इन्वायरमेंट को बैलेंस नहीं किया जा रहा कि किस तरह से डेवलपमेंट सपोर्ट की जाए अब अराउंड वन हंड्रेड टेन विलेजेस हैं जो कंबाइन करके किसके अंदर आते हैं बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बी बी एम पी टू थाउजेंड फाइव में अब जो सिटी कॉरपोरेशन है उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा कि इन विलेजेस को किस तरह से कनेक्ट किया जाए सिटी के सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कि आप इतने सारे आगे पीछे देख रहे हैं विलेजेज हैं तो प्रॉपर सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए तो कोई उसके बारे में सोचता नहीं है अगर तूफान आएगा पानी इतना आएगा जो आपकी ड्रेन्स हैं नालियाँ हैं वो माल फंक्शन माल फंक्शन यानी वो ब्लॉक हो जाएंगी और रेन वाटर और ये जो रॉ सीवेज है फिर जो भी आपकी ये ओ हैं है जो आपकी सिटीज हैं आउटर रिंग रोड्स है वहां पे पानी आ जाएगा नेशनल हाईवे जो इतने अच्छे अच्छे हाईवेज आपके बने वो डैम का काम करेंगे पानी को स्टोर करने लग जाएंगे और वहां पर नदियां बन जाएंगी यही चीज हमने देखा कि वो पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है वाटर लॉगिंग हो रही है अब लैंड यूज डायनेमिक्स इन बैंगलुरु अगर आप देखेंगे बिल्ट अप अलग अलग सालों का यहाँ पे चल रहा है पानी कितना है वेजिटेशन कितनी है और बाकी सब कितना है तो यहाँ पे जैसे चेंज हो रहा है 2008 2014 का आपको दिख रहा है आप 2017 का बिल्ट अप ये जो हम खुद बिल्ड करें आप देखिए पानी वेटलैंड कितना वहां पर डेवलपमेंट ही होने शुरू हो गया वेजिटेशन नाइनटी में देखिए कितना वेजिटेशन था और ये रेड कलर में है जो मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं ये आपका कम होता जा रहा है सो डेवलपमेंट आपकी सही तरीके से नहीं हो रही इस पिक्चर को देखिए 2002 2022 कितने सारे आपके वेटलैंड्स थे और वहाँ पे अब देखिए पुअर डेवलपमेंट कितना डेवलपमेंट हो गया कि जो वेटलैंड्स आपका पानी स्टोर कर दें जहाँ पे आपका ये एक्सेस पानी जाएगा वो एरिया ही नहीं बचा तो पानी के पास जाने की जगह नहीं है वो सिटीज़ में ही आएगा हाईवेज़ आपके डैम की, की तरह एक्ट करें ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एकदम अनप्रिपेयर्ड है आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स अगर आते हैं अगर इस तरह से रेनफॉल होगी पानी कहाँ जाएगा गंदगी से ड्रेन्स भर गए देखिए इससे बीमारियां भी फैलती हैं लोगों की हेल्थ भी खराब होगी कुछ पिक्चर्स में तो मैंने यहाँ तक देखा सम्बी वर्ट चेलिंग कि क्रोकड उन पानी में आपको मिल रहे हैं बीमारियाँ आपकी बहुत फैलेंगी तो अब आगे इस रेसिपी ये डिजास्टर की एक रेसिपी है जो लोगों ने खुद बनाई है अब इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं एक तो हम बोल रहे हैं कि इंटरकनेक्टिविटी प्रॉब्लम है जो लेक्स हैं वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गई डेवलपमेंट हो गई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा फिर फ्लड प्लेन्स जो है आपके वेटलैंड्स हैं वहां पे अलग से एनक्रोचमेंट होगी कंस्ट्रक्शन होगी यू नो और नोटिफाइड डी नोटिफाइड लेक्स अगर आप देखेंगे उनको डी नोटिफाई कर दिया गया लेक्स को डेड लेक्स जिन एरिया को नोटिफाई करके रखा था उनको डी नोटिफाई करने का मतलब है उनको कहा कि ये डेड लेक है यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता फिर जो स्टॉर्म वाटर है वो जहाँ से निकलेगा वो जो ड्रेन्स हैं उनको छोटा कर दिया कि नहीं यहाँ पे तो और कुछ बन जाएगा ड्रेन का तो ज़्यादा काम नहीं है उसको और छोटा कर दिया यू नीड बिगर ड्रेन्स अब जो एरियाज़ यहाँ पे हैं जो ओपन स्पेसेस थी वो ख़त्म हो गई वेटलैंड आपके कम हो गए वेजिटेशन कवर आपका कम हो गया तो ये सब रीज़न कलेक्टिव रीज़न अगर आप देखेंगे ये रीज़न है आज जो बेंगलुरु की हालत हुई है तो आगे भी कोई इसके लिए काम करेगा या ठीक है एक बार हुआ साल में दो तीन दिन ख़राब हुआ और फिर से वही चीज़ यू नो बैक टू पवेलियन तो पॉसिबल सोल्यूशन इसकी यही हो सकती है कि जहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है नई सोसाइटीज़ बन रही हैं सोसाइटी वाले लोगों को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए कि वहाँ पे प्रॉपर सीवेज कहाँ से निकलेगा पानी कहाँ से निकलेगा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान होना चाहिए जो भी प्लॉट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पानी कहाँ स्टोर होगा किसी कोई वेल well हो जहाँ पे जो रिचार्ज हो तो यहाँ पे ये क्योंकि लोगों का मामला है तो इस पर काम करना चाहिए एडिशनली इस तरह के परमिएबल सर्फेसिज होने चाहिए अगर हम कंक्रीट हर चीज़ सीमेंट का बनाते जाएंगे तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इस तरह के परमिएबल सर्फेसिज हों जहाँ पे पानी एब्जॉर्ब हो पार्किंग लॉट्स या फुटपाथ्स वॉकिंग जॉगिंग लेंस जो हम कॉन्क्रीट की बनाते जा रहे हैं उसको आप थोड़ा और इनोवेटिव uh, टेक्नोलॉजी लेके परमिएबल सर्फेसिस की बनाओ कि वहाँ पर एब्जॉर्ब हो और लास्ट लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन हो सकती है कि हर किसी को ये इशू देखना होगा लोगों से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक तभी एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि सिटीज़ को हम इस तरह से जो वाटर लॉगिंग है जिससे बीमारियां फैलेंगी लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है प्रोडक्टिविटी हर जगह इकोनॉमिक लॉसेज इतने हो रहे हैं हम इसको रोक पाएंगे तो यही पॉसिबल सोल्यूशन आपको क्या लगता है बैंगलोर की हालत देखिए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये हमारा टेलीग्राम लिंक है डू कनेक्ट विद मी हियर एंड यू पी एस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सोनक एकेडमी इज द बेस्ट बेस प्लेस वेर यू कैन डू इट एंड रिसेंटली हमारा यू पी एस सी भी चल रहा है इसके रिजल्ट आई होप आपने देखे होंगे दिस इज रॉन्ग ये हर संडे को यूजअली हमारा होता है आई लव इट विद न्यू स्लाइड तो कॉम्बैक्ट में जरूर पार्ट लीजिए क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपके प्रिपरेशन कैसी है मेंस टेस्ट सीरीज का पार्ट बनिए आपको आंसर लिख के पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है बाकी यू कैन टेक आर सब्सक्रिप्शन कोड मत भूलिए वीरो सी सब्सक्रिप्शन को लेकर कोई भी डाउट है मुझसे आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए आई विल गाइड यू कि आपके लिए बेस्ट क्या है आपको कैसे पिक करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया आई वुड से जो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज देता, देता है इतनी ज़्यादा टीचर्स की फैसिलिटी देता है सो दिस इज़ द कोड अगेन मैक्सिम डिस्काउंट के लिए और दिस इज द रीजन आई लाइक अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा क्योंकि ये फैसिलिटी आई बेट नो बडी इज़ गिविंग क्योंकि जिस टीचर से पढ़ना है आप उस टीचर से कोर्स में पढ़िए ये बेस्ट इंडिया के एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनका सबसे टॉप पे नाम है इंडिया में ऑनलाइन इंडस्ट्री में इन यू पी एस सी सिविल सर्विसज सो आपको उन सबसे पढ़ने का मौका यहाँ पर मिलेगा डिफरेंट बैचेस शुरू हो सक होते रहते हैं आप उसमें खुद को एनरोल कराइए एक बार आप पेमेंट नहीं कर सकते तो आप ई एम आई लीजिए आई वुड रिकमेंड क्योंकि ई में पैसे देते हुए आपको पता नहीं चलता और ये आपकी खुद पे खुद के लिए इन्वेस्टमेंट है तो इससे कतराइए मत कि हम कहीं और से वीडियोस ले लेंगे किसी और की लेंगे डाउनलोडेड यू नो इल्लीगल तरीके से तो आप भी मेहनत नहीं करेंगे जब किसी चीज़ के लिए हमने पैसे दिए होते हैं ना हम उसको पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आई बनना आपका सपना है इस पर अगर खुद पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो वेस्टेज नहीं है सो सी एस सी श्योर इज़ वेरी गुड थिंग लिमिटेड ऑफर है अगर आप सब्सक्रिप्शन दो साल से या उससे ज़्यादा ही लेते हैं तो अपने रिजल्ट से साटिस्फाई नहीं रहते एक साल की एक्सटेंशन आपको अन अकैमी की तरफ से दी जाती है सो अगेन यू कैन यूज अ कोड वीरो यू पी एस सी फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट बिकॉज अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो आप मेरे पोस्ट गाइडेंस में क्लियर कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच टेक केयर